गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर टीचर बलराम पाल एंड यू आर वॉचिंग द ऑनलाइन क्लासेस ब्रॉट टू यू बाय श्री नैनीश्वर विद्यालय हनियाधाना। टुडेज वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 12th इंग्लिश एंड टुडेज चैप्टर इज फर्स्ट टीच मी टू लिसन लॉर्ड। इट इज रिटन बाय एन अननोन पर्सन, सो वी हैव एनोनिमस। इसका मतलब होता है अज्ञात। यह जो कविता है किसने लिखी है इसके बारे में कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है, इसके लिए इसको लिखा गया एनोनिमस, मतलब अज्ञात। तो हम इस पाठ में देखेंगे, इस लेसन में क्या है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। इसका मतलब होता है कि लॉर्ड जो वर्ड है ये कहाँ से आया। लॉर्ड का मतलब होता है मालिक। आपने देखा होगा कि जब ब्रिटिश रूल था इंडिया पे, तो यहाँ पर आपने बहुत सारे बड़े अंग्रेज अफसर थे, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, है ना। अभी हमको यदा कदा सुनने मिलता है कि तुम कहीं के लॉर्ड साहब नहीं हो, तो यही वो वर्ड है लॉर्ड। इसका मतलब विभिन्न सेंस में होता है, मालिक में, यहाँ पर इसका अर्थ है ईश्वर के रूप में है। ईश्वर को हमने इस पृथ्वी का, इस संसार का मालिक कहा है, इसलिए टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दीजिएगा। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसमें लिखा है, ऊपर एक आपको एक ब्लू बॉक्स होगा, इसमें लिखा है व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू स्पीक इफेक्टिवली और टू लिसन अटेंटिवली। क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप प्रभाव पूर्वक बोल सकते हैं या फिर आप शांति से ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। बोलना बहुत आसान है, सुनने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। इसका महत्व हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। होम शुड वी लिसन टू हाउ, हमें किसको सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट स्टंजा पे आते हैं। तो कवि हमसे कहता है कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड, कि हे मालिक मुझे सुनना सिखा दो। टू दोज नियरेस्ट मी, उन लोगों को जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब हैं, हे ईश्वर मैं उनकी बात को ध्यान दूँ। सुनने का तात्पर्य ये नहीं है कि कभी बहरा है या हार्ड ऑफ हियरिंग है, नहीं है ना, सुनने में उसको तकलीफ है। सुनने से मतलब होता है ध्यान देना, कि उसकी बात पर गौर किया जाए। तो कवि कहता है कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड, के हे ईश्वर मुझे इतना सक्षम बनाओ, इतना योग्य बनाओ, ऐसी मुझे बुद्धि दो कि मैं उन लोगों को सुन पाऊँ, उन लोगों की बात को मैं समझ पाऊँ, ध्यान दे पाऊँ जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब हैं। कौन है वो, फिर लिखता है माई फैमिली, माई फ्रेंड्स एंड माई को वर्कर्स, मेरा परिवार, मेरे मित्र और मेरे सहकर्मी। को वर्कर्स मतलब होता है कलीग्स, जो आपके साथ में काम करते हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, मुझे जागरूक होने में सहायता करो। जागरूक किस लिए, नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, उनके द्वारा जो भी शब्द मुझसे कहे गए हैं वो मेरे मन को आघात ना करें, उनकी बातों का मैं बुरा ना मानूं, ऐसी मुझे शक्ति दो प्रभु। द मैसेज इज, क्योंकि संदेश उनकी तरफ से यही है, क्या है वो हमसे चाहते हैं, क्या हैं, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी। वो हमसे चाहते हैं कि वो व्यक्ति जैसे भी हों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गुण दोषों से रहित नहीं होता है, तो हमें उनके गुण और दोषों दोनों को अंगीकार करते हुए उनको जैसे वो हैं उसी रूप में उनको स्वीकार करें और उनकी बातों को समझें, उन पर ध्यान दें। तो पहले स्टंजा में कभी यह बात करता है कि जो भी व्यक्ति मेरे पास हैं, जो मेरे सबसे करीबी व्यक्ति हैं, जिनके साथ मेरा अधिकतर समय निकलता है, वो कौन है, मेरा परिवार, मेरे मित्र और मेरे सहकर्मी, उनकी बातों को मैं समझ पाऊँ, उनकी भावनाओं को मैं समझ पाऊँ। और अब हम चलते हैं अगले स्टंजा में, जिसमें कभी लिखता है कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो। किसे, टू दोज फार फ्रॉम मी, उन लोगों को जो मुझसे दूर हैं। कौन है आपसे दूर, कौन है, द विस्पर ऑफ द होपलेस। विस्पर मतलब होता है धीमी आवाज, आराम से कान में कही गई आवाज, द विस्पर ऑफ द होपलेस, ऐसे व्यक्ति जो निराश हैं, उनके द्वारा धीमी आवाज़ भी मेरे कानों में पहुंच जाए, उनकी जो दूर हैं उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच सकती, उनके बारे में मुझे पता नहीं चलता, फिर भी मैं उनकी बातों पर, उन पर ध्यान दे पाऊँ, उनको समझ पाऊँ। कौन, होपलेस, ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में
निराश हो चुके हैं। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, कि ऐसे व्यक्ति जिनको उनके अपनों के द्वारा भुला दिया गया है, समाज के द्वारा भुला दिया गया है, सबसे निचले तबके के लोग, उनकी याचना भी, उनकी मांग, उनकी आह, जो भी है उनका दुख दर्द कष्ट हैं, उनको मैं समझ पाऊँ। द क्राई ऑफ द एंग्विश्ड, एंग्विश्ड मतलब होता है पीड़ित लोग, शोषित लोग, जिन पर अत्याचार हुए हैं, ऐसे व्यक्ति, दलित व्यक्ति जिन पर अत्याचार हुए हैं, उनकी पुकार, उनका रुदन मैं सुन पाऊँ। इस प्रकार मुझे हे ईश्वर सामर्थ्यवान बनाइए। नेक्स्ट स्टंजा, थर्ड स्टंजा में कवि लगता है कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हे कवि मुझे सुनना सिखाओ। पहले स्टंजा में कवि सबसे करीबी लोगों को, दूसरे स्टंजा में कवि लगता है सबसे दूर के लोगों को, और थर्ड स्टंजा में लगता है कवि हे ईश्वर मुझे स्वयं को सुनना सिखाओ, टू माई सेल्फ। इसका मतलब क्या है कि हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेयर्ड, माई सेल्फ को मतलब स्वयं को सुनने से तात्पर्य है कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमें हर सही और गलत काम के प्रति हमारी जो अंतरात्मा है वो हमको आगाह करती है कि यदि आप सही कर रहे हैं तो आपको प्रोत्साहित करेगी, आंतरिक आपको सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, लेकिन यदि आप गलत करते हैं तो आपको एक बार वो वार्न करती है, आपको सोचने समझने और अपने निर्णय को बदलने का अवसर देती है। तो वही अंतरात्मा की आवाज़ को कभी सुनने की बात कर रहा है, क्यों सुनता है, हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, मेरी सहायता करो ताकि मैं जो है कम भयभीत हूँ, मतलब अपने भय को कम करने के लिए कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की बात करता है, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ कभी भी गलत नहीं होती है और अच्छे बुरे में हमको भेद वही सबसे अच्छे से समझा सकती है। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, मेरे जो आंतरिक आवाज़, जो सबसे अंतरात्मा की आवाज़ है उस पर मुझे विश्वास हो, ऐसी प्रार्थना कभी ईश्वर से करता है। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो मेरे अस्तित्व का सबसे आंतरिक भाग है मेरी अंतरात्मा, उसको उसकी मैं आवाज़ सुनूं, उस पर मैं विश्वास करूं। और इस पार्ट का आखिरी जो स्टंजा है उसमें कभी लिखता है टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस, अब अंत में वो ईश्वर की आवाज़ सुनने की, ईश्वर पर ध्यान देने की बात करता है कि हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए, किसको, आपकी स्वयं की आवाज़, कि मैं आपको समझ पाऊँ, आपको मैं कृपा दृष्टि का मैं पात्र बन सकूँ। इन माई बिजीनेस एंड इन बोर्डम, जब मैं व्यस्त हूँ तब भी, जब मेरा समय खाली हो, मेरे पास कोई काम ना हो करने को, तब भी मैं मुझे आपका ध्यान रहे। इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, जब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, पूरी तरह से शंका विहीन हूँ तब भी, और जब मैं शंका हूँ, जब मेरे जीवन में कभी दुविधा आए तब भी मुझे आपका ख्याल हो, आपकी शिक्षाओं का मुझे ख्याल हो। इन नॉइज़ एंड इन साइलेंस, जब दुनिया का शोर शराबा हो और जब मैं एकांत में सुकून और शांति में हो तब भी मुझे आपका ध्यान रहे। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो। इस कविता में कवि ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया है कि जो हमारे करीबी लोग हैं उन पर भी हमें ध्यान देना है, जो हमसे दूर हैं उन पर भी हमें ध्यान देना है, हमें स्वयं के बारे में भी ध्यान देना है, और हमें ईश्वर को भी प्रत्येक स्थिति में याद रखना है, उसे कभी भूलना नहीं है। आगे हम इसकी प्रश्नोत्तरी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको इस लेसन से संबंधित जो भी समस्याएँ हों अपने अध्ययन में, उसके लिए आप शिक्षकों से विद्यालय में आकर भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।